पंकज समाचारों सिलसिलो शुरू करिए। गुजरात विधानसभा चूंटणीना बीजा तबक्काना मतदान माटे प्रचार पड़घम शांत थया। 5 डिसेम्बरे सोमवारे 93 बैठक पर योजाशे मतदान। बीजा तबक्का में 833 उम्मीदवारों चूंटणी मैदान में। भाजपना 93 उम्मीदवार, कांग्रेसना 90, आपना 93 उम्मीदवारों, अन्य पक्षना 272 उम्मीदवार और 285 अपक्ष उम्मीदवारों से मैदान में, जेमा 764 पुरुष और 59 महिला उम्मीदवार चूंटणी मैदान में। बीजा तबक्कानुं मतदान मध्य गुजरात सहित उत्तर गुजरात में योजाशे। बीजा तबक्कामां अमदावादनी घाटलोडिया बैठक पर सौथी वधु 4,28,542 मतदारों करशे मतदान। बीजा तबक्कामां 2,51,58,730 मतदारों मतदान करशे। 5,96,328 नवा मतदारों मतदान करशे। 14,975 पोलिंग स्टेशन पर थशे मतदान। बीजा तबक्का में 100 वर्ष की मोटी उम्र 5,412 मतदारों, आ मतदान में 37,432 बैलेट पेपर नो उपयोग थशे। 40,066 वीवीपैट मशीन नो उपयोग थशे। साथ ही 36,157 कंट्रोल यूनिट नो उपयोग थशे। गुजरात की चूंटणी में पीएम मोदी 16 सभा अने रोड शो कर्या। पीएम मोदी उत्तर गुजरात में 10 जनसभाओं गजवी, जारे मध्य गुजरात में 6 सभाओं करी। अरवली जिला में चूंटणी 48 कलाक पहला बॉर्डर सील कराई। जिला में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान थाय ते माटे तंत्र सज्ज बन्यू। दारूनी हेरफेर अटकाववा राजस्थान थी अड़ीने आवेली बॉर्डर सील करवामां आवी। अरवली जिला कलेक्टरे मतदारों ने करी अपील, तमाम लोगों ने वधु में वधु मतदान करवा माटे अपील। साथ ही कहूं कि तमाम बूथ ने क्रिटिकल समझीने आपी छे सुरक्षा। लुणावाड़ा एपीएमसी ना चेयरमैन पक्ष विरोधी काम करता होय तेवो ऑडियो वायरल। गोविंद पटेल अपक्षना पैसा वेचता होय तेवो वीडियो वायरल थता राजकारण में गरमावो। न्यूज 18 आ ऑडियो ने पुष्टि नहीं करतु। वलसाड़ में मतदान बाद इजनेरी कॉलेज बहार कांग्रेस नो पहरो। ईवीएम साथ छेड़छाड़ थवानी आशंकाए उम्मीदवार अने कार्यकर्ताओं 24 कलाक पहरो। ईवीएम ने राखवामां आव्या छे स्ट्रॉंग रूम में। सूरत कोर्पोरेशन भाजप कोर्पोरेटर सामे फरियाद। शरद पाटिल सामे आचार संहिता भंग नो गुनो। कोर्पोरेटर शरद की धरपकड़ बाद रात्रे थयो छुटकारो। मत आपती वखते मोबाइल में वीडियो बनाव्यो हतो। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल थया बाद पगला लेवामां आव्या। पांडेसरा वोर्ड नंबर 28 ना कोर्पोरेटर छे शरद। जूनागढ़ में मांगरोड़ ना आप उम्मीदवार सहित 6 लोगों सामे फरियाद थई। मतदान ना दिवसे भाजप कार्यकर जयेश मजीठिया पर थयो हतो हमलो। फरियादी ना घरे मार मारी जान थी मारी नाखवानी अपाई धमकी। आप पार्टी ना पीयूष परमार अने तेना साथीदारों कर्यो हतो हुमलो। चूंटणी ना वेरझेरना कारणे करवामां आव्यो हतो हुमलो। मारिया हाटीना ना आप पार्टी ना उम्मीदवार सामे फरियाद। सूरत में करंज बैठक पर आपना उम्मीदवार सामे गुनो दाखल। ईवीएम में मशीन नो फोटो मूकीने लख्यू झाड़ू चाले छे। आ लखाण बाद उम्मीदवार विरुद्ध नोधाई फरियाद। पहला तबक्काना मतदान बाद सूरत साइबर क्राइम पोलिस एक्शन में। आप उम्मीदवार मनोज सोरठिया सामे आचार संहिता भंगनी नोधाई फरियाद। नोडल अधिकारीए फरियाद ना आधारे गुनो दाखल कर्यो। अमदावादना जोहापुरा विस्तार में मतदान अंगे जागृति लावा बाळकोए योजी रेली। सारा भगत माटे भारत माटे अने सारा शिक्षण माटे मतदान करवा बाळकोनी अपील। राजकोटना धोराजी पंथक में भादर एक माथी सिंचाई नू छोड़ायू पाणी। रवि पाकना पियत माटे खेडूतोए भर्या हता फॉर्म। केनालनी साफ सफाई विना छोड़ायू पाणी। केनालमां गाबड़ा होवाथी खेडूतोए समारकामनी करी रजूआत। केनालनू समारकाम कर्या विना पाणी छोड़ाता केनाल तूटवानी संभावना। खेडूतोने पाक निष्फळ जवानी भीति। विश्व विकलांग दिवस निमित्ते सूरत पोलिस नी सराहनीय कामगीरी। पिता वगरनी अने मुकबधीर दीकरीना धामधूमथी कराव्या लग्न। रांदेल पोलिस स्टेशनना पीआईनी सराहनीय कामगीरी।
पिता वगरनी और मुखबधीर दीकरीना लग्न में समग्र रांदेर पोलीस स्टाफ जोड़ायो। पीआई अतुल सोनाराए पत्नी साथे कर्यो कन्यादान। पोलीस नी लागणी सभर कामगीरी थी लोको खुश। सूरतनी सिविल हॉस्पिटल में प्रथम वक्त हाथना अंगनु दान करायु। महाराष्ट्रना व्यक्ति ने सारवार दरमियान ब्रेन डेड जाहिर कराता परिवारे लीधो निर्णय। गुजरातनी एर एम्ब्युलेंस में मृतकनो डाबो हाथ 1200 किलोमीटर दूर कोची पहुंचाड़ायो। अंग पहुंचाड़वा सिविल हॉस्पिटल थी सूरत एरपोर्ट सुधी ग्रीन कोरिडोर तैयार करवामां आव्यो। भरूच में भूगर्भ गटर की कामगिरी बाद पुराण थता ट्राफिक जाम ना दृश्यो सर्जाया। तंत्रनी बेदरकारी भोग बन्या लोको। आयुसर टेम्पो फसाई जता ट्राफिक जाम थयो। आयुसर टेम्पानु टायर रोड में पड़ेला खाड़ा में फसायु। कॉन्ट्राक्टर द्वारा खोदकाम बाद पुराण नहीं कराता बनी घटना। भरूच में तंत्रनी बेदरकारी कारण वारंवार बने छे आवी घटनाओ। गुजरातना पेरा एथलेट अने टेबल टेनिस प्लेयर भाविना पटेले पोताना अनुभवनो वीडियो शेयर कर्यो। आ वीडियो में मान्यो प्रधानमंत्री नो आभार। कन्या केळवणीना 5 लाख रूपया मळता थयु कारकिर्दीनुं घडतर। लोकसभानी चूंटणीने लई भाजपनी कवायत शुरू। आगामी 5 डिसेम्बरे भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डानी अध्यक्षतामां मळशे बैठक। आ बैठकमां तमाम राज्योना प्रदेश प्रमुखो पण जोडाशे। 5 ડિસેમ્બરે ભાજપની 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓની બેઠક યોજાશે। જેપી નડ્ડાની અધ્યક્ષતામાં યોજાશે બેઠક। આગામી લોકસભા ચૂંટણીના રોડમેપ અંગે થશે ચર્ચા। ભાજપ છોડનારા નેતાઓને પાટીલનો સ્પષ્ટ સંદેશ। પાર્ટી સાથે અશિષ્ટ કરનારાને પરત નહીં લેવાય। પાર્ટી સાથે વિદ્રોહ કરનાર જીતશે એવી શક્યતા નથી। કહ્યું જીતશે તો પણ પરત નહીં લેવાય। प्रथम तबक्का में आदिवासी विस्तार में थयु वधु मतदान। प्रदेश भाजप प्रमुख सी आर पाटिले आप्युं निवेदन। कह्युं 2017 करता कुल मत वधारे पड़्या। भाजपनी जीत पाकी गणावी। गांधीनगर उत्तर बैठकना भाजप उम्मीदवार रीटाबेन प्रचार दरमियान थया घायल। प्रचार दरमियान डीजे चालके ब्रेक मारता बनी घटना। एक्टिवा चालक सुनील त्रिवेदी ने होस्पिटल में कराया दाखल। सेटेलाइट थी लेवायेली गुजरातनी तस्वीर पीएम मोदीए ट्विटर पर शेयर करी। ताजेतर में लॉन्च करवामां आवेल EOS-06 सेटेलाइट थी लेवामां आवी तस्वीर। पीएम मोदीए ट्विटर में लख्यू के स्पेस नी दुनिया थी आधुनिक टेक्नोलॉजी आपणने चक्रवातनी आगाही करवामां मदद करशे। पाटणमां जयनारायण व्यासे वाट्यो भांगरो। भाजपना बदले कांग्रेस छोड्यानो कर्यो उल्लेख। कह्युं भाजप अने अन्यनी पार्टी में फरक नथी एटले मैं कांग्रेस छोड़ी। बाद में पोतानी भूल समझाता निवेदन सुधार्यो। राजकोट पूर्व विधानसभा बैठकना कांग्रेसना उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरुए संबोधी पत्रकार परिषद। इंद्रनील राजगुरुए कर्या भाजप पर प्रहार। कह्युं भाजप में मतभेद अने मनभेद बन्ने देखाया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा नो दावो। कह्यू प्रथम तबक्कानी 89 पैकी 65 बैठक जीतशे कांग्रेस। जे फीडबैक मळ्या ते सारा परिणाम तरफ। पोरबंदर कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन मोढवाड़िया नो दावो। कह्यू भाजपने माननाराओए पण आ वखते कांग्रेसमां कर्युं मतदान। बीजा तबक्काना प्रचारना अंतिम दिवसे कांग्रेसे कर्यो दावो। बीजा तबक्काना मतदान पहला कांग्रेसे रम्यो मोटो दाव। खाम थियरी पछी हवे बदाम थियरीनो आप्यो संकेत। सरकार बने तो ओबीसी ने बनावी शके सीएम। कांग्रेसना जगदीश ठाकुर बाद अमित चावड़ाए आप्या संकेत। कह्यू कांग्रेसनी सरकार आवशे तो बनशे ओबीसी मुख्यमंत्री। राजकोटमां जेलनी अंदरथी बुटलेगरनो वीडियो थयो वायरल। राजकोट पोलीसने क्लीन चीट आपता कह्यू के पोलीस कोई हप्तो नथी उघरावती। जेलनी अंदरथी वीडियो आवता उभा थया अनेक सवाल। थोड़ा दिवस पहला राजकोट पोलीसे रेड पाड़ीने कुख्यात बुटलेगर हार्दिक सोलंकी उर्फे कविनी धरपकड़ करी हती। आ कविनी धरपकड़ थता महिलाओए पोलीस स्टेशन पहोंचीने होबाळो मचाव्यो हतो। जूनागढ़ में रिक्शा चालकोना मौत मामले मोटो खुलासो। समग्र मौत मामले हत्यानो थयो खुलासो। 28 नवम्बरे 2 रिक्शा चालकोना शंकास्पद हालत में थया हता मौत।
पत्नीए प्रेमी साथे मळी पतिनी हत्या करी होवानो थयो खुलासो। पत्नीए सोडानी बोटलमां पोटेशियम साइनाइड मेळव्युं हतुं। पोलीसे पत्नी प्रेमी सहित अन्य एक आरोपीनी धरपकड़ करी। मोरबीमां वृद्धा साथे दुष्कर्म गुजारनारा बे आरोपीनी धरपकड़। सफाई काम करनारा वृद्धा पर बे आरोपीओए दुष्कर्म गुजार्यु। मोरबी बी डिविजन पोलीसे गुनो नोंधी तपास हाथ धरी। मोरबीमां वृद्धाना बचावमां आवेला व्यक्ति पर आरोपीओए कर्यो हतो हुमलो। वृद्धा होस्पिटलमां सारवार हेठळ। वृद्धाना परिवारजनो अने समाजना लोको मोटी संख्यामां होस्पिटले एकत्र थया। सूरतमां पत्नीनी हत्या करनारा पतिनी पोलीसे धरपकड़ करी। पूणा विस्तारमां परप्रांतीय पतिए नजीवी बाबते पत्नीनी हत्या करी। हत्या बाद फरार आरोपीनी पूणा पोलीसे धरपकड़ करी। पतिए पत्नी ने कातरना 25 घा मारीने करी हती हत्या। पत्नीए बीमार पति ने फ्रूट न आपी आपता हत्या ने अंजाम आप्यो। आरोपी पति हत्या ने अंजाम आप्या बाद अलग अलग शहर में फरार हतो। वडोदराना ड्रग्स फेक्टरी केस में मोटो खुलासो। ड्रग्स बनावा दुबई थी हवाला मार्फते आवतो हतो पेमेंट। मुख्य आरोपी सौमिल पाठकनो पार्टनर सलीम डोला करतो हतो फाइनांस। वडोदरा ड्रग्स केस में दुबई कनेक्शन बहार आव्यु। सलीम डोला दुबई में ड्रग्स सिंडिकेट साथ बैठक करी आरोपी नो पार्टनर करावतो पेमेंट। मुख्य आरोपी सौमिल पाठकनो पार्टनर छे सलीम डोला। सूरतना वराछामां धोरण 8 में अभ्यास करती विद्यार्थिनीए कर्यो आपघात। स्कूल थी मोड़ी आवता माता पिताए आप्यो थप्पो। जेरी दवा गटगटावीने कर्यो आपघात। राजकोटना जसदणमां युवके कर्यो आपघात। 27 वर्षीय युवके जेरी दवा पीने कर्यो आपघात। मानसिक बीमार होवाना कारणे जीवन टूंकाव्यु। राजकोटनी मेटोडा जीआईडीसीमां आग लागता 5 श्रमिको दाझ्या। तमाम श्रमिको मैक्सवेल सीएनजी कंपनीमां करता हता काम। परप्रांतीय श्रमिकोना रहेणाक विस्तारमां बन्यो बनाव। पंचमहालना विजलपुरना ओदवजी फळियामां वृद्धानी हत्या करी लूंट चलावाई। एकलतानो लाभ लई लूंट विथ मर्डर करायानी आशंका। पोलीसे स्थळ पर पहोंची तपास शुरू करी। सुरेन्द्रनगरमां चोटीलाना पियावमां टेम्पो अने बे बाइकनो अकस्मात। बे बाळक सहित 5 लोको इजाग्रस्त। टेम्पो चालक नशामां होवानो करायो आक्षेप। गांधीनगरना कलोल रोड पर ट्रक अने स्कूल बस वच्चे अकस्मात। वन वेमां धसी आवेली ट्रके डिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूलनी बसने मारी टक्कर। बसमां सवार तमाम लोकोनो आबाद बचाव। सुरेन्द्रनगरना ध्रांगध्रा हळवद रोड पर कार अने एसटी बस वच्चे अकस्मात। नवी कारनो अकस्मात थता बन्ने चालको वच्चे थयुं घर्षण। अकस्मातने लई हाईवे पर थयो हतो ट्राफिक जाम। राजकोटना गोंडल भुवनेश्वरी मंदिर पासे आवेली दुकानमां आग। फायर विभागे आग पर मेळव्यो काबू। आग लागवानुं कारण अकबंध। सदनसीबे जानहानि टळी। सूरतमां एरपोर्ट सामेना खुल्ला प्लॉटमां राखेला घासमां आग लागी। मजूरा अडाजण वैसू अने मान दरवाजानी फायर टीमो थई दौड़ती। एकाएक आग लागता स्थळ पर थई नासभाग। आग पर मेळवायो काबू। राजकोटमां जेतपुर नवागढ़ विस्तारमां भीषण आग। जूना पायोनियर नामना बंद कारखानामां लागी आग। आगमां जानहानिनी कोई माहिती नहीं। विकराळ ज्वाळाओ दूर सुधी जोवा मळी। अमरेलीना गोपाल ग्राम रोड पर दीपड़ाना आटा फेरा कैमेरामां कैद। राहदारीए लटार करी અને ફરી રહેલા દીપડાનો વિડિયો મોબાઈલમાં કેદ કર્યો। શિકારની શોધમાં દીપડો ગ્રામ્ય પંથકમાં નીકળ્યો હોવાનું અનુમાન। આણંદમાં બોરસદ વિધાનસભાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રાજેન્દ્ર પરમાર ફરી એકવાર વિવાદમાં। રાજેન્દ્ર પરમારે જીતવા માટે લીધો ડાન્સર્સનો સહારો। આણંદમાં ડાન્સરે કોંગ્રેસના પ્રચાર સભામાં ગુજરાતી ગીતો પર ડાન્સ કર્યો। કોંગ્રેસના બેનરો ડાન્સ પાર્ટીમાં દેખાયા। નેતાજીના અનોખા પ્રચારનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર થયો વાયરલ। મહીસાગરના લુણાવાડાના અપક્ષ ઉમેદવાર જેપી પટેલે કર્યા ભાજપ પર પ્રહાર। કહ્યું ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓના આવવાથી નહીં પડે ફરક। અગાઉ 30 વર્ષ ભાજપમાં હતા જેપી પટેલ। મહીસાગરના લુણાવાડામાં જેપી પટેલનું નામ લીધા વિના જીતુ વાઘાણીએ કર્યા પ્રહાર। બળવો કરી અપક્ષ ઉભેલા સામે ભાજપની લાલ આંખ। કહ્યું ભાજપ છોડી ગયેલાઓને ફરી ભાજપમાં નહીં લેવાય। અમદાવાદના શાહપુરમાં ઓવેસી વિરુદ્ધ થઈ નારેબાજી। કાળા વાવટા ફરકાવી ઓવેસી ગો બેકના નારા લોકોએ લગાવ્યા। નસવાડીની કોઠિયા નર્મદા વસાહતની રહેણાંક વિસ્તારમાં ભરાયા પાણી। અડધી રાત્રે માંડવા બ્રાન્ચ કેનાલનું પાણી છોડવામાં આવ્યું। રહેણાંક વિસ્તારમાં શાળામાં પાણી ઘૂસી જતા લોકોમાં રોષ।
પાણી છોડવામાં આવતા ગ્રામજનો થયા હેરાન. પશુઓનો ઘાસચારો અને ઘરનું અનાજ પલળી જતા ગ્રામજનોની નારાજગી. નર્મદા નિગમના અધિકારીઓ ધ્યાન આપતા નહીં હોવાનો ગ્રામજનોનો આરોપ. નવસારીના ગણદેવીમાં ચીકુના પાકની ઓછી આવકને લઈ મોટો નિર્ણય. અમલસાડ મંડળી 5 દિવસ માટે રહેશે બંધ. ચીકુનો કાચો માલ આવતા વેપારી મંડળીએ લીધો નિર્ણય. ચીકુની ખરીદી બંધ રહેતા ખેડૂતોમાં ચિંતા. વલસાડના ડુમલાવ ગામમાં દીપડો દેખાયો, બકરીનો કર્યો શિકાર. વન વિભાગે ગોઠવેલા પાંજરાની આસપાસ ચક્કર મારીને ફરાર. સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં થઈ કેદ. ગાંધીનગરમાં અડાલજના બંગલામાંથી મોટા પ્રમાણમાં દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો. એલસીબીએ 480થી વધુ દારૂની પેટીઓ ઝડપી. મોટા પ્રમાણમાં દારૂ ઝડપાતા પીઆઈ સામે પગલાં લેવાય તેવી શક્યતા. રાજકોટના વીરપુર કાગવડ વચ્ચે ટ્રેન નીચે આવી જતા યુવક અને યુવતી આત્મહત્યા કરી. યુવક યુવતી પ્રેમી પંખીડા હોવાનું અનુમાન. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. રાજકોટના જેતપુરમાં પરપ્રાંતીય યુવકે કરી આત્મહત્યા. રાજકોટ જૂનાગઢ નેશનલ હાઈવે પર ગળે ફાંસો ખાઈને કર્યો આપઘાત. પોલીસે મૃતદેહને પીએમ માટે મોકલી વધુ તપાસ હાથ ધરી. દ્વારકાના વિરમદળ ગામની સીમ તળાવમાંથી અજાણ્યા પુરુષનો મૃતદેહ મળ્યો. ફાયર વિભાગે ભારે જહેમત બાદ મૃતદેહને બહાર કાઢ્યો. પંચમહાલમાં ધ બર્નિંગ બસનો વીડિયો વાયરલ. એસટી બસમાં લાગી ભીષણ આગ. મુસાફરોનો કરાયો આબાદ બચાવ. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન. એસટી બસમાં ફાયર સેફટીના સાધનો નામ માત્ર ના જ રખાયા. સમગ્ર ઘટનાને લઈ ગોધરા એસટી વિભાગના હેડ મિકેનિક અને ઇલેક્ટ્રિશિયનને કરાયા સસ્પેન્ડ. વંદે ભારત ટ્રેનને નડ્યો અકસ્માત. વાપી સંજાણની વચ્ચે નડ્યો અકસ્માત. અમદાવાદથી મુંબઈ તરફ જતા ગાય વચ્ચે આવી જતા ટ્રેનને નડ્યો અકસ્માત. નર્મદાના ડેડિયાપાડા નિગમ ગામ પાસે અકસ્માત. બાઇક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત. બાઇક પર સવાર 3 લોકોના મોત. કારમાંથી મળ્યો વિદેશી દારૂ. વડોદરાના શેરપુરા ગામમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસની રેલી આમને સામે આવી જતા છૂટા હાથની મારામારી થઈ. બબાલમાં કોંગ્રેસના 7 થી 8 બાઇક તૂટ્યા. SRP અને સાવલી પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી મામલો થાળે પાડ્યો. દ્વારકાના ખંભાળિયામાં મહિલા પીએસઆઈ રોશન નોઈડાના પતિએ ઝેરી દવા પીને આત્મહત્યા કરી. અગમ્ય કારણોસર કરી આત્મહત્યા. હસન નોઈડાને જામનગર હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા. બીજા તબક્કાની ચૂંટણીના પ્રચાર પડઘમ શાંત થયા બાદ ભાજપની બેઠક. કમલમમાં ભાજપના મોટા નેતાઓએ યોજી બેઠક. આ બેઠકમાં અમિત શાહ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સીઆર પાટીલ ઉપસ્થિત. સોમવારે ગાંધીનગરના રાયસણમાં પીએમ મોદીના માતા હીરાબા મતદાન કરશે. સતાવીએ પહોંચેલા હીરાબા જાતે મતદાન કરી યુવાઓને એક માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે. સવારે 8:30 વાગ્યાની આસપાસ કરશે મતદાન. કરોડોના કૌભાંડી વિનય શાહની ધરપકડ. આરોપીએ 260 કરોડની આચરી હતી ઠગાઈ. વિનય શાહ કૌભાંડ આચરી વિદેશ ફરાર થયો હતો. સીઆઈડી ક્રાઇમે દિલ્હીથી કરી ધરપકડ. દાહોદમાં પોલીસે યોજી ફ્લેગ માર્ચ. એએસપી સહિત પોલીસકર્મીઓ અને પેરામિલિટરી ફોર્સ માર્ચમાં જોડાઈ. ચૂંટણીમાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે ફ્લેગ માર્ચ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઓગણજ ખાતે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરના આખા સ્વામિનારાયણ નગરની મુલાકાત કરી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવને લઈને ચાલી રહેલી તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કર્યું. આગામી 15 ડિસેમ્બરથી 15 જાન્યુઆરી સુધી યોજાશે ભવ્ય મહોત્સવ. સુરતના આસપાસ નગર 2માં રહેતા આધેડનું મોત. ઘોડાએ લાત મારતા આધેડનું મોત થયું. આધેડને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. અને હાલ એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે. કરોડોના કૌભાંડીએ વિનય શાહની ધરપકડ કરાઈ છે. કરોડો રૂપિયાનું લોકોનું ફુલેકું ફેરવી લીધું હતું. આરોપીએ 260 કરોડની ઠગાઈ આચરી હતી. વિનય શાહ કૌભાંડ આચરી વિદેશમાં ફરાર થઈ ગયો હતો. સીઆઈડી ક્રાઇમે દિલ્હીથી તેની ધરપકડ કરી લીધી છે. એક મોટા અહેવાલ આવી રહ્યા છે. કરોડોના કૌભાંડી વિનય શાહની ધરપકડ કરાઈ છે. કરોડો રૂપિયાનું ફુલેકું ફેરવીને ફરાર થઈ ગયો હતો. આરોપીએ 260 કરોડની ઠગાઈ આચરી હતી. વિનય શાહ કૌભાંડ આચરી વિદેશમાં ફરાર થઈ ગયો હતો. સીઆઈડી ક્રાઇમે દિલ્હીથી તેની ધરપકડ કરી લીધી હતી. કરોડોના કૌભાંડી વિનય શાહની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. કરોડો રૂપિયાનું ફુલેકું ફેરવીને વિદેશ ફરાર થઈ ગયો હતો. 260 કરોડથી પણ વધુની ઠગાઈનો આ મામલો છે.
विनय शाह कौभांड आचरीने विदेश में थई गयो हतो फरार। सीआईडी क्राइमे तपास टीम ने दौड़ावी हती अने तपास करी हती, बाद में दिल्ली थी ते पकड़ायो छे। पूछपरछ में वधु केटलाक रहस्यो सामे आवे तेवी शक्यता छे। करोड़ों कौभांडी विनय शाह की धरपकड़ कराई छे। करोड़ों रूपया फुलेकू फेरवी ने फरार थई गयो हतो। संवाददाता हरमेश सुखड़िया जोड़ाया छे। हरमेश, 260 करोड़ थी वधुनी आ ठगाई नो मामलो छे, आखो आ मामलो शुं हतो अने क्यांथी आ पकड़ायो छे विनय शाह? थोड़ा वर्ष पहला 260 करोड़ एक कौभांड सामे आव्युं हतुं। आर्चर केयर नामनी कंपनी खोली और आ कौभांड आचरवामां आव्युं हतुं। ते गुनामां नेपाळ पोलीसे विनय शाह अने तेनी पत्नीनी धरपकड़ करी हती। त्यारबाद हवे सीआईडी क्राइमे इंटरपोल की मदद की आज विनय बाबूलाल शाह है दिल्ली की धरपकड़ करी है। समग्र बाबत की जो बात करें तो आज आरोपी है तेने अनेक लोग ने भाड़े की ऑफिस राखी और अनेक लोग ने गैरकायदेसर नाणाकीय टीमो बहार पड़ी और तमाम लोग पास भी करोड़ों रूपया रोकाण करी दू। त्यारबाद आ करोड़ों रूपया लईने आज आरोपी है फरार थी गयो। समग्र बाबते लईने आज विनय शाह है तेनी सामे कुल 5 जेटली फरियाद नोंधवामां आवी हती। आज आरोपी है विनय शाह तेने ते अने तेनी पत्नी बंने विदेश भागी गया था। त्यारबाद नेपाळ पोलीसे आ बंने आरोपी है ते लोगोनी धरपकड़ करी हती। विनय शाह है ते दिल्ली आवता जे रेड कोर्नर नोटिस जारी पण करवामां आवी हती। तेना आधारे आज विनय शाह है तेनी हाल सीआईडी क्राइम द्वारा धरपकड़ करी वधु तपास करवामां आवी रही छे। पंकज, खास हरमेश, आ समग्र मामला की जो बात करिए तो विदेश में पण ते फरार थई गयो तो एवा अहेवाल हता। कया कया देश में ते फरीने आव्यो अने तपास में कया रहस्यो हजु सामे आवे एवी शक्यता छे? शुं आ कौभांडनो आंकड़ो जे छे ए हजु पण वधी शके छे? बिल्कुल, आज 5 फरियाद नोंधवामां आवी हती जेमां अनेक साहेदो छे अनेक भोग बन्या छे ते लोको सामे आव्या हता। ते तमाम लोकोना जे रूपिया हता ते मळीने आ कौभांड छे ते 260 करोड़नुं थयुं हतुं। जे वखते तपास करती हती पोलीस त्यारे आज आरोपी छे ते विदेश भागी गयो हतो, विदेश एटले के नेपाळ भागी गयो हतो। अने समाचार जयारे प्रसिद्ध थया हता अने वायरल थया हता त्यारे आज आरोपी छे विनय शाह तेनी नेपाळ पोलीसे धरपकड़ करी हती। नेपाळ पोलीसे धरपकड़ कर्या बाद आज आरोपी छे तेनी सामे रेड कोर्नर नोटिस पण जारी करवामां आवी हती। समग्र बाबत लईने सीआईडी क्राइमे हवे इंटरपोल की मदद की आज आरोपी है तेनी दिल्ली की धरपकड़ करी वधु तपास शुरू करी है। बनी शके छे के आरोपी की पूछपरछ में आज आंकड़ो है जे कौभांडनो आंकड़ो है ते वधु पण सामे आवी शके छे। पंकज जी, हरमेश आभार समग्र माहिती।